अगली खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां नायब तहसीलदार तहसील मरिगवा दिलीप कुमार सोनी, पटवारी दिलीप पटेल, हल्कागढ़ राजेश कुशवाहा, पटवारी घोपी द्वारा प्राथमिक पाठशाला परासी में रुचिकर भोजन की जांच की गई, जहां रुचिकर भोजन मेनू के आधार पर बनना नहीं पाया गया। वहीं उपस्थित छात्रों द्वारा बताया गया कि केवल चावल दाल ही मिल पा रहा है। इसी तरह से कन्या हाई स्कूल गढ़ में जब जांच अधिकारी पहुंचे तो दिखा कि स्टोर में रखे चावल में कीड़े पड़े हुए थे और मध्याह्न भोजन में केवल चावल दाल सब्जी मिलना बताया गया। समूह संचालिका उर्मिला सोनी द्वारा बताया गया कि मुझे खाद्यान्न जुलाई अगस्त सितंबर का अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। कन्या हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य मनोज द्विवेदी द्वारा बताया गया कि मेनू के आधार पर भोजन नहीं बन रहा है। जांच के दौरान स्पष्ट हो रहा है कि बच्चों के पोषण आहार को कौन हजम कर पोषित हो रहा है, यह एक विचारणीय बिंदु है। वहीं दूसरी तरफ समूह के संचालक कई वर्षों से माध्यमिक और आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन प्रदाय का अधिकार पत्र प्राप्त कर अधिकार की अवहेलना कर रहे हैं। जब 4 से 5 महीने से राशन और पैसा नहीं मिलता तो क्या यह भी जांच का विषय है कि क्या समूह के पास इतनी राशि उपलब्ध रहती है कि नहीं? यदि नहीं रहती तो कहां से इसकी पूर्ति की जा रही है? आज भी वही समूह पिछले 15 से 20 वर्ष से निरंतर अध्यक्ष और समूह एक ही स्थान पर जमे हैं, जबकि समय समय में इनका परिवर्तन करना भी आवश्यक दिखता है। जांच के दौरान किसी समूह संचालक द्वारा रिकॉर्ड स्टॉक रजिस्टर या अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए। जांच अधिकारी दिलीप सोनी द्वारा बताया गया कि वस्तु स्थिति की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी और जो भी उचित कार्यवाही होगी नियम संगत कार्यवाही की जाएगी। पाठशाला में बच्चों के साथ है नायब तहसीलदार वृत्त गगेव, ये पूछ रहे हैं कि क्या बच्चों को रुचिकर भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है इस माध्यमिक शाला में। इसमें बच्चों से चर्चा करते हैं। आप खड़ा हो जाइए। आपको साहब जांच करने आए हैं, भोजन आप लोगों को क्या मिलता है? नहीं रोज, जैसे मान लीजिए कि सोमवार से लेकर शनिवार तक क्या मिलता है जो मिलता है भोजन, जो खाना मिलता है? सोमवार को मिलता है दाल चावल और उसमें चना डाला रहता है सब्जी में और आलू टमाटर रहता है, और मंगलवार को खीर मिलती है और दाल चावल मिलता है। नाम क्या बेटिया अपना? पुलाव मिलता है। तुम बैठ जाओ। भोजन मिलता है अच्छे से? थाली कौन धोता है? एक आंटी आती है, धोती। तुम लोग नहीं धोती हो? पानी मिलता है? हाँ। पानी मिलता है पीने के लिए? भोजन में सलाद मिलती है कभी? टमाटर मूरी नहीं मिलती है? सलाद पापड़ नहीं मिलती? पापड़ ओपड़ मिलती है कभी? कभी नहीं मिलती। किसी को पापड़ नहीं मिलती? नहीं। केवल चावल दाल रोटी सब्जी खीर इतना मिल जाता है? रोटी भी नहीं है? अच्छा ठीक ठीक। चावल ज्यादा छटवावे के लिए जाता हूँ, छटवा के कर लिया। दाल भी मुझे नहीं दिखी। दाल कहाँ है आप? दाल मसाला हरी सब्जी कहाँ है आप? चावल बस दिखे, चावल यहाँ है। नहीं डेली का नहीं है ऐसा, डेली का थोड़ी ना। आपको खाद्यान्न है ना, एक महीने का पूरा स्टॉक करने का रहता है। चोरी की समस्या चोरी होती है, एक बार तो चोरी की अगर समस्या है, इससे पहले चोरी हुई अपने? हाँ, चोरी तो आप फिर चावल रख रहे हैं लेकिन दाल चावल घर से लाते हैं। नहीं, चावल की चोरी तो नहीं हो रही है? आज ही अभी भिजवाए हैं, एक बोरा मतलब चौथे दिन आती है। अपना ही समूह संचालिका है, अध्यक्ष है। का रुचिकर भोजन मेनू के आधार पर बना थे? जो कुछ मेनू हमका बताया गया है, जानकारी हमका है, वह मेनू हम बनवाए। का शासन से राशि अपना बराबर हर महीना मिल जाता है? अब 3 महीना से राशि नहीं आई। रसोई वाले बनवाई वाले से पूछ ली कि अभी तक इनका 4-4 महीना लगा है खाना बनाकर, आज तक इनका रसोई के पैसा नहीं आया। जब पैसा नहीं आवल लाख सरकार से, तो कहाँ से अपना मेनू की स्वसहायता समूह बनी है? 12-14 साल से समूह बनी है। हम लोग 50-50 रुपया सब क्यों जमा के खाते हैं।
50-50 रुपये हमारे बच्चन के बराबर जमा हो, हमारे अकाउंट में पैसा है, हम बच्चे वहीं से संचालन करत रहे थे, जो कुछ वहाँ से पैसा आवा था तो हमारे खाते में। अपना के यह आरोप लगा है कि साहब जांच के दौरान जो ड्रम में चावल रखा है तो यह पर साल फिर चावल रखा है यहाँ, तो वह चावल हम नहीं यूज करें। यह पर से काहे रखे हैं या जानकारी कुछ रिकॉर्ड स्टॉक रजिस्टर दिखान साहब के जांच के दौरान? भाई पर से रखा है, पर चावल हमारे स्कूल में पूरा रखा रहा था। अपना जब साहब जांच में आए हैं तो अपना स्टॉक रजिस्टर दिखाओ, वितरण के कत्ता हमका पावा गया है, कत्ता पिछला स्टॉक है साहबों का? 3 महीना से पाए नहीं यहाँ कौन चावल, 3 महीना से दूसरा महीना चल रहा है, 2 महीना नहीं मिला, ओकर नहीं मिला है, अगस्त सितम्बर अभी अक्टूबर लगा है 3 माह से। हमारे बीच में कन्या हाई स्कूल के प्राचार्य, मैं इनसे चर्चा करता हूं कि जांच के दौरान आपके विद्यालय में रुचकर भोजन और चावलों की साफ सफाई नहीं दिखती है, इसमें आपको क्या जानकारी है? आपके यहां जांच करने के लिए नायक तहसीलदार गुप्त जगेव आए हैं और जांच के दौरान ये पाया गया है कि रुचकर भोजन आपके यहाँ नहीं बन रहा है और चावल जो है वो साफ नहीं है, बस क्या है यहाँ पर जो हमने रसोइयों से 2 दिन कहा भी है मौखिक रूप से कि आप इसकी ये चावल बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये चावल नहीं बनवाते, ये पूर्व का चावल है, जो नया चावल है उसकी छटाई करते हैं, सफाई करते हैं, इसके बाद बनवाते हैं। क्या रुचिकर भोजन बनता है आपके विद्यालय में? मेनू के अनुसार तो नहीं बनता, मेनू के अनुसार नहीं बनता नहीं। क्या इसकी शिकायत आप वरिष्ठ कार्यालय को अपने किए हैं कभी? अभी हम मीटिंग से आ रहे हैं जनपद, नहीं इसके पहले आज नहीं, इसका भी सूचना दी गई है क्या कि? हाँ इसकी सूचना दी जाती है जन शिक्षा के माध्यम से। आप क्या मौके पर चल के जो भंडारी दिन का स्थान है, जो छात्र हैं क्या उनसे चर्चा करवा सकते हैं कि उनको भोजन कैसे मिलता है? करवा सकते हैं। चलिए फिर आ जाओ।